हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसके आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करेंगे मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8। और इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? सोलेनोइड, हिंदी में कहते हैं उसको परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। तो चलिए, हाँ एक चीज और, हम इसको जो परिनालिका को, जो परिनालिका के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होना बहुत जरूरी है। कैसे पढ़िएगा सर? तो आप लेक्चर 7 देखिए, उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ है, चलिए उसको देख के आइए। तो भाई साहब, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सोलेनोइड, यही उसका पिक्चर है, और फॉर्मूला जो प्रूव करना है वो क्या है? B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट है। यहाँ पे म्यू नॉट ऐसा पिक्चर जैसा मिला वैसा एडिटर साहब इसको रीड कर दिए। म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत इसमें? बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, क्या करने वाले हैं? सोलेनोइड, हिंदी में कहते हैं परिनालिका। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पहले देखते हैं कि परिनालिका होता कैसा। तो जैसे ये हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर लेंगे, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर लेंगे, और इस पर एक वायर को लपेटेंगे। क्या करेंगे? एक वायर, हाँ वायर होती है इंसुलेटेड, ठीक है, इन्हें जो को, हाँ इंसुलेटेड मतलब कवर। जैसे देख लीजिए, ये दिखा दीजिए, हमने ये लिया आपका नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर लिए, ठीक है, वायर लिए, और उस पर क्या कर दिए? वायर ये लपेट दिए, ठीक है, ये वायर लपेट दिए। इस पर दिखाई दे रहा भाई, इधर इधर कैमरा में दिखाई दे रहा है? ये दो तार ये है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अरे भाई दिखाई, लोगों को देना चाहिए, आप लोग दे रहा, दिखाई दे रहा ना भाई? हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत? आईब्रो है नहीं ना, आईब्रो दिख रहा ना? हाँ चलिए ठीक है। ये देखिए इसको क्या किया गया है, इसे इसको जो है मेरा गया इसी प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। देखिए और चाहे तो और इसको मेर सकते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, तो इसको जो है इसी प्रकार क्या किया था, ये इस प्रकार दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ये, अरे हाँ इसकी प्रकार आगे बढ़िए जिसको दिखना है डायरेक्ट, हाँ ये इस प्रकार जो है तार हो क्या किया गया है, मेरा गया। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, और इसमें ये वायर जो है, वायर क्या है? इंसुलेटेड है, यानी इन्हें जो पूरा मतलब इसको जो अनकवर्ड वायर ले छिला हुआ तो दिक्कत करेगा, कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, बैटरिया से जोड़ेंगे, किसको? ये दोनों जो कोर है, इसको और इसको बैटरिया से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो बैटरिया से जब जोड़ेंगे तो करंट तो पास होने करेगा, और जब करंट पास होगा तो मेरे भाई क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वही मैग्नेटिक भी निकालने का। आइए बात ओके, आया समझ में? इस प्रकार है, इसमें हम क्या करते हैं तनि सुन लीजिए, हाँ साइकिल है चारनाई पर, हम क्या करते हैं सुनिए, हम क्या करते हैं इसको, तार लपेटने का कार्य चल रहा,
ठीक है, यहां से इसको क्या करेंगे, इसको बकरिया से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, बकरिया से कनेक्ट कर दिए, यहां से आई करंट निकल रहा है हो चलिए, यहां से कैसे जा रहा तार, सुनिए तार ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, हाँ करंट कैसे देखिए है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये हाँ हाँ फिगर तो दिखाई दिए हैं, तार को लपेटा गया है, देख लीजिए देख रहा ना, ये इस प्रकार लपेटा गया है, इस प्रकार, ठीक है चलिए अब सुन लो, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब तार लपेटाएगा तो सब में से सुनिए, ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे गया है और ऐसे आया है, ठीक है नीचे तो ऐसे गया है और ऐसे आया है करंट, ठीक है जब करंट आएगा वायर में अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक क्या है आपका सोलेनोइड, क्या है सोलेनोइड, यही है आपका सोलेनोइड का पिक्चर देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है ना, यही जो लिया गया है, हाँ इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, क्या देखेंगे तो भाई बता, सुनिए सुनिए कुछ नहीं करने का, इसमें देखिए इसमें देखिए किसी पॉइंट पर निकाले रहे हैं, जो भाई हथेली वाला रूल लेंगे, इसमें नया रूल लेंगे, क्या लेंगे, अंगूठा को करंट की दिशा में करेंगे और उंगली को मोड़ेंगे, उंगली को जिधर उंगली मोड़ेगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो करंट की दिशा में जिधर करंट जा रहा होगा ना, करंट उस दिशा में क्या करेंगे, उंगली को मोड़ेंगे, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, करंट किधर जा रहा है, और इससे सुनिए ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे गया तो भी इधर, ऐसे गया तो भी इधर, ऐसे आया तो भी इधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है किस तरफ है भाई, ऐसे इधर जा रहा है, फिर हो गया ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर से इधर जा रहा है, दूसरा पेन लेते हैं, ऐसे इधर से इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरफ से इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, कोई दिक्कत, आप सुनिए ध्यान दीजिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो सोलेनोइड के अंदर भी और इसके बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ निकालना है, अरे भाई हंस का आ रहा है पिक्चर देख करके, है तो भाई फिर इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हो गया चलिए, थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए बेटर रहेगा, न रहने दीजिए, चले इतना में समझ जाएंगे आप लोग, हम लोग पहले निकालते हैं बाहर, पहले बाहर, तो सुनिएगा कहीं ध्यान दीजिएगा, हमको डॉट या क्रॉस देखना है, ठीक है तो यहां से करंट अंदर घुस रहा, करंट अंदर, अंदर की दिशा में करंट अंदर, तो यहां नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा क्रॉस, क्या होगा क्रॉस, क्या हुआ और यहाँ क्या है बाहर को निकल रहा है, बाहर की ओर, तो क्या होगा डॉट, बाहर क्या हुआ डॉट, अब सुनिए अरे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर दूर कर दीजिए, चले सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये जो डॉट क्रॉस दिखाने का जो असली फील है वो क्या है, असली थ्योरी क्या है कि इसको हम काटते हैं दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में काट देंगे सोलेनोइड को, दो भागों में क्या करेंगे काट देंगे, तो काटने के बाद जो करंट जो है इस दिशा में आते हुए दिखाई देगा,
यहाँ पर अंदर की ओर जाते दिखाई देगा ना, ये अंदर की ओर क्रॉस बाहर की ओर डॉट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए, क्रॉस डॉट में इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताइए, दिशा बताइए। तो भाई साहब सुनिए गदरे ध्यान से, यहाँ पर इस जगह पे ये डॉट है, डॉट है ना, डॉट करंट किधर है, करंट किधर है, अंदर की ओर करंट, करंट ऐसा है करंट है। तो भाई यहाँ करंट की तरफ क्या रखना है अंगूठा, करंट यहाँ पर क्या है जगह पॉइंट है, डॉट है, तो डॉट तो बाहर की ओर है, डॉट मतलब किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर अंगूठा रख करके उंगली घुमाइए, ऐसे घूम रहा है, बाहर की ओर अंगूठा रख करके उंगली घुमाइए ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होगा, बाहर की ओर है, डॉट मतलब बाहर की ओर, अंगूठा बाहर रखिए, ये कर्ल कीजिए उंगली को, ऐसे घूमेगा उंगली से घूमेगा ना ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से बना देते हैं, एकदम गोल बनना चाहिए, दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। अच्छा एक मिनट का और दूर दूर रखना पड़ेगा, इतना करीब से नहीं होने वाला, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ना हो, याद है नहीं, याद है इसमें क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, अंगूठा अंदर कीजिए, अंगूठा अंदर ऐसे घूम रहा है, यानी घड़ी जो है वो कैसे क्लॉक वाइज, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा, क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा। सुनिए गौर से देखिएगा, ये बीच में थोड़ा देखिएगा गौर से, इस जगह पे ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर है ये नीचे है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ के ऊपर यहाँ नीचे कैंसिल करेगा, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे कैंसिल करेगा, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर, बीच में क्या कर देगा, बीच वाला पूरा एक दूसरे को धज्जिया उड़ा देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये बनेगा कैसे, ऐसे ये इस प्रकार होगा, बीच वाला को सब क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बीच वाला को यहाँ सब क्या कर दिया है, तो ई वाला जो है ना मिटा करके ई वाला जो है ये यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ बात समझे, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, समझे बात को, तो वही हमने बनाया यहाँ, क्रॉस वाला भी वही होगा, क्रॉस वाला भी यही होगा, ठीक है जी। अब देखिए बाहर जो है ना बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कम, सिर्फ यहाँ पर तनका होगा, सिर्फ बाहर होगा थोड़ा, तो यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड ना लगभग क्या किया जाता है, जीरो कंसीडर। तो भाई सोलेनोइड को जो सोलेनोइड होगा उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, वो जीरो, कितना होगा, तो हम लोग अब अंदर निकाल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं अंदर, फिर इसको बनाएंगे, आइए आगे फिर बनाते हैं इसमें, थोड़ा बड़ा बना है,
ताकि समझ में एकदम आ जाए। अरे सुनिए, अल्लाह ने कही बस कहानी खबर जगह लगी जगह हम लोग को मालूम चल चुका है डायरेक्शन सबका। मान अब ऐसे पे घेरने की कोई सत्य नहीं है, तो मालूम चल चुका है कि तार इसको क्या है लपेटा हुआ है और मैग्नेटिक प्रकृति दिशा जो है मालूम चल चुका है। क्या क्या टिपा जाता है चलो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहां है, किधर से किधर? सोलेनोइड के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सोलेनोइड के। अरे बुखार लगा देंगे हम गौरव, हो गया। झंडा बन गया। अब सुनिए, हमको अंदर निकालना है। अंदर मान लेते हैं किसी पर, सुनो अंदर इसका जो पूरे सोलेनोइड का जो लेंथ है वो मान लेता है क्या है, कैपिटल एल है, क्या है आई, तो मालूम है कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, सुन सबको मालूम हो। अब चलिए, अब असली मजा आएगा प्रूफ का। वो सब तो फेक था, सिर्फ समझने वाला चीज था कि सोलेनोइड क्या होता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड। हम डायरेक्ट का देखिए सोलेनोइड, हम डायरेक्ट डालते कि सोलेनोइड का जो बाहर है ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, कैसे जीरो है प्रूफ बताइए सर, कैसे जीरो है बता दिया। अब अंदर देखिए, अंदर किसी भी पॉइंट मान लीजिए इसी पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर ही पी पॉइंट मान लेते हैं, इस पी पॉइंट पे हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्किट लॉ से, इससे एम्पियर सर्किट लॉ से क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट को हम करते हैं क्या, क्लोज लूप में बंद, क्लोज लूप में। तो यहाँ तो क्लोज लूप तो इसी के अनुसार ना होगा, इसी एक्सिस के अनुसार ना होगा भाई। तो यहाँ पर जो क्लोज लूप बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या मजाक चला है, रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ कोनो गोला से नहीं पास कर रहा, यहाँ रेक्टेंगुलर बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। और ज्यादा करेंगे तो हद पर। अब इसका है सुनिए, तो ही पी पॉइंट पर निकालना है। एम्पियर सर्किट लॉ काम करता है किसके लिए, लेंथ के लिए, किसके लिए, लेंथ के लिए। तो पूरा लेंथ का बाद में निकालेंगे, पहले तो हम इतना लेंथ का निकाले। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से इधर जाएगा ना, ऐसे रहा। अब करेंट यहां से मैग्नेटिक फील्ड दिशा इधर से इधर है, तो हम यहां से ही शुरू करेंगे चलना, यहां से ही चलना शुरू करेंगे बाद में। सुनिए यहां से तो हम लोग सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, स्ट्रिप काटते हैं, क्या करते हैं स्ट्रिप। तो हम मान लेते हैं कि पूरा यहां से यहां की जो लेंथ है वो क्या है, एल है, क्या है, एल है। तो छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डीएल। छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे क्या होगा, और तभी लगाएंगे एम्पियर सर्किट लॉ, नहीं तो संभव नहीं है लगाना। हाँ, और इसका हम लोग देते हैं नाम। अब कहां कहां निकालेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे इस लेंथ के लिए निकालेंगे, इस लेंथ के लिए निकालेंगे, इस लेंथ के लिए निकालेंगे, इस लेंथ के लिए, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है। अभी नहीं बतियाएंगे भाई, सुनिए बात समझ में। अरे मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां निकालेंगे इस लेंथ के लिए, इस लेंथ के लिए, इस सब इसको लेंथ को मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, उसको बोलते हैं ए, इसको बी, सी, इसको डी। अब आइए बी सी डी तो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए चलते हैं किसे, एम्पियर फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ,
ना एम्पियर के परिपथीय नियम से, हिंदी वाले एम्पियर के परिपथीय नियम से। आइए देखिए भाई साहब, अब कैसे से फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए ना बराबर न्यू नॉट इंटू ले सिग्मा आई, या इसको बोल सकते हैं आई नेट। क्या बोल सकते हैं आई नेट। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अब सुनिए, यहां पर जो था इसमें यहां जो था एक वायर से आई करंट, तो इसमें जो नंबर ऑफ जो टर्न्स है, नंबर ऑफ जो क्या है टर्न्स है, तो बहुत है, अनगिनत टर्न्स है। ये जो अनगिनत बार क्या किया घुमा है, ये अनगिनत बार घुमा है, तो हमको क्या करना है ध्यान से देखिए, इतना ही लेंथ में निकालना है, तो इतना लेंथ में कितना टर्न होगा, इतना लेंथ में कितना टर्न्स होगा, कितना क्या होगा ये घेरा होगा, कितना कितना फेरी होगा, फेरा फेरी बोलते उसको, कितना फेरी होगा, ठीक है, फेरो की संख्या, समझे, वो वाला फेरा नहीं, हाँ ये वाला फेरा, वो कितना चक्कर वाला चीज। तो आइए हम लोग कहां से कहां निकलेंगे, ए से लेके पूरा डी तक, ए बी सी डी। तो पहले किसका, पहले बी का निकाले, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का। तो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा किसका, ए से बी, किसका ए से बी, जो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा कहां से कहां, बी से सी, जो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा कहां से कहां तक, जोड़ इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा कहां से कहां, डी से ए, बराबर क्या जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, या सिग्मा आई को हम बोल सकते हैं आई नेट। क्या बोल सकते हैं आई नेट, आई नेट बोलते, चलिए तो बात की बात है। पहले देखिए ए से बी के लिए, ए से थीटा निकाल लीजिए, थीटा क्या निकाल लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा थीटा भाई, थीटा जो होता है किस क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हम लोग काटते हैं छोटा सा स्ट्रिप उसके बीच का, तो स्ट्रिप भी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसी है, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा जीरो, तो डायरेक्ट हम क्या लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो का मान एक, ई हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बी डी एल, कोई दिक्कत बी ए से बी, खाली यही बचाओ ए से बी, या ये जगह पे बी से सी, बी से सी, तो भाई साहब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, सुन सुन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और स्ट्रिप यहां ऐसे कटाएगा, स्ट्रिप एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 क्या हो जाएगा ये जीरो, कहानी खत्म है, यहां पर ही हो जाएगा जीरो, ये डाटा लेते हैं जीरो। अब सुनिए यहां, यहां भाई स्ट्रिप काटेंगे ऐसे, थीटा जो है यहां कितना होगा 180 डिग्री, लेकिन तो बाहर ना भाई सोलेनोइड के बाहर है, तो बाहर का इशू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब ये हो जीरो। आइए डी ए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब हमने शुरू में ही कह दिया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर ही बता दिया था हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए भाई, अब सुनना क्या, यहां से स्ट्रिप काटेंगे तो ये थीटा यहां क्या बनेगा, थीटा कितना, अरे मैग्नेटिक फील्ड उधर और जो स्ट्रिप काटे इधर 90 ना बनेगा, तो यहां 90, यहां क्या होगा 90, यहां भी जीरो,
मतलब इधर कहानियां खत्म है सबका। डाटे क्या आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई। कोई दिक्कत? अब हमको डीएल चाहिए और क्या चाहिए? सिग्मा आई चाहिए। मतलब हमको डीएल चाहिए, इंटीग्रेशन डीएल क्या करेंगे? इसको इधर करते हैं थोड़ा तनखा दे और इधर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला पेज पर चलेंगे। बी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका? डीएल का, बराबर ए से बी, बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। बी डीएल 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 छोटा छोटा काटेंगे, पूरा लेंथ बराबर हो जाएगा। पूरा लेंथ किसका है? एल के। तो बी एल बी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। कितना रह गया? अब सिग्मा आई चाहिए तो पहले तो जो करेंट जो जो पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, कितना दूर में कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको तो चाहिए कि इतना दूर में कितना फेरा किया है, वो तार जो है वो कितना फेरा है, वो घुमा है। तो पहले सबसे पहले हमको इकाई लेंथ में चाहिए, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इकाई लंबाई में मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल जाएगा, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या निकालेंगे। कहां निकाले? अगला पेज पर चले क्या? नहीं, इसी पेज पे। इसमें जगह नहीं होगा, ऐसा करते हैं थोड़ा इस सबको छोटा कर देते हैं। कही अमन, लिमिट है या करती है? लिमिट नहीं है, ए से बी है। आप यहां से यहां ना लिखिएगा तो डायरेक्ट आप कहां लिख सकते हो? यहां लिख दीजिए ए डी ना। आप यहां ना लिखिएगा, यहां ले आइए। आपको लगता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो काहे कंफ्यूज कीजिएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट में मेरे भाई? काहे कंफ्यूज कीजिएगा? हो गया, कोई कमी? हाँ भाई साहब सुनिए, तो आए पांच रुपया इतनो इतनो को नहीं छोड़ेगा तुम लोग। सुनो, तो फेरों की संख्या कितना टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। यहां आइए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं एन। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट मतलब इकाई लेंथ में, एकदम तनका को लेंथ में, इकाई एक सेंटीमीटर, इकाई लेंथ एक सेंटीमीटर लेंथ में, इकाई लेंथ में एक सेंटीमीटर या एक मीटर, एक मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक सेंटीमीटर लेंथ में मतलब इकाई लेंथ में फेरों की संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं इकाई लेंथ में बीस फेरा कर जब से क्या मतलब है? इकाई लेंथ में फेरों की संख्या क्या मान लिए? एन। तो कितना में निकालना है हमको? एल लेंथ में। कितना में? एल लेंथ में ना फेरों की संख्या। तो नंबर ऑफ सुनो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट नहीं, अब लिखेंगे एल लेंथ। क्या लिखेंगे? एल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स एल लेंथ, इसमें पर यूनिट लेंथ नहीं, एल लेंथ। एल लेंथ में क्या आ जाएगा? एन एल। क्या आ जाएगा? अरे भाई, इकाई इकाई एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, तो एल लंबाई में एल से गुना कर देंगे। आए एक में शुरू दाम पांच रुपया था, पांच रुपये पांच गुना पांच कर देंगे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में एन फेरा घुमा। एकांक लंबाई में मतलब एक लंबाई में, एक सेंटीमीटर लंबाई में एन फेरा घुमा, तो एल लंबाई में कितना फेरा? एल गुना एन फेरा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, ए असुनी ए वो फेरा में आई करंट है, तो नंबर ऑफ फेरा तो निकला हुआ है। नंबर ऑफ फेरा क्या है? एन एल। नंबर ऑफ फेरा एल लेंथ में कितना फेरा किया? एन एल फेरा घुमा। एल लेंथ में, एल लेंथ में एन एल फेरा घूम गया, तो एक फेरा में है आई करंट, ए वो फेरा में कितना है आई करंट, कितना है आई करंट।
तो एनएल पेरा में करंट की संख्या ना, एनएल पेरा में करंट की संख्या नंबर ऑफ दी सॉरी सॉरी क्या बोलेंगे, एनएल पेरा में करंट, एनएल पेरा में तो लिखेंगे करंट इन एनएल टर्न्स, एनएल टर्न्स में करंट कितना आ जाएगा एनएल आई, कोई दिक्कत? एनएल पेरा में करंट, करंट करंट एक पेरा में करंट आई है तो एनएल पेरा में क्या हो जाएगा एनएल आई करंट हो गया, ये करंट निकल गया, विद्युत का मान निकल गया। अब सुनिए इसको हिंदी में ले लेते हैं, हिंदी में क्या है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकाई लंबाई फेरों की संख्या ये हो गया, इसको है इसको लिखेंगे हम लोग हिंदी वाले एल अलग है, एल लंबाई में फेरों की एल लंबाई में ये वाला लिखेगा नीचे कहेंगे आइए लिखेगा धारा मतलब एनएल फेरों में धारा का मान, एनएल फेरों में धारा का मान, एनएल फेरों में धारा का मान। चलिए तो हम आराम से आई के लिए ऊपर देने लाई, तो बीएल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई का मान क्या हो जाएगा एनएल आई, एल से एल मर जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन यही म्यू नॉट एन आई, कितना आसान डेरिवेशन था, डेरिवेशन कितना। हाँ अब तो यार सर कोनो को ई लेंथ का क्या होगा, पूरा लेंथ में निकालेंगे पूरा, तो पूरा लेंथ एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, रुकिए ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है एन, कैपिटल एन मान है, कैपिटल एन क्या मान लिया जाए कैपिटल एन, टोटल हम लोग इकाई लेंथ में, इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या माने छोटा एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न पूरा सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या मान लिए एन मान लिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा भाई, यहां हम लोग एन बोलते हैं इसको, एन बोलते हैं, एन का मान कितना हो जाएगा सो बताइए, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट ई वाला लेंथ, टोटल नंबर ऑफ वर्का एन, वर्का में ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम बी बराबर म्यू नॉट एन का मान कैपिटल एन बटा एल आई इंटू में आई ऐसे भी लिख सकते, ठीक है कहीं कहीं अगर एग्जाम में दिले होगा ऑब्जेक्टिव में है साइज स्टॉक में तो खाली ए रेडर दिएगा ये हो म्यू नॉट एन आई बटा में एल, यहां से स्मॉल एन है यहां कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन क्या है टोटल इस सोलेनोइड में पूरा कुल टर्न, और स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इकाई लेंथ में टर्न, इकाई लेंथ में एकदम इकाई लेंथ में टर्नों की संख्या कितना फेरा है सो बड़का एन, टोटल फेरा की संख्या, टोटल फेरा की संख्या बड़का एन, इकाई लेंथ में फेरा की संख्या छोटका एन, कोई दिक्कत नहीं समझ में, दोबारा देखिए दोबारा समझिए इस चीज को पूरा समझ जाइए। तो भाई आज हो गया सोलेनोइड, कल हम लोग करेंगे इसका दूसरा भाई का नाम है टोरोइड, क्या नाम है टोरोइड, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं टोरोइड के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।